कोई आप जैसा मिल जाए तो। ओए होए, चेरी टोमेटोज गिरते हुए यहाँ। एक एक स्लाइस में डोसा है, एक डोमिनोज का पेटेंट टेस्ट है ना, कि आप सूंघ के भी बता दोगे कि ये डोमिनोज है। इसमें वो बात यार, जिस किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये है अपना नोएडा वाला सेटअप। और कभी कभार मैं यहाँ भी मकबैंग कर लिया करता हूँ जब भी मैं यहाँ आता हूँ। और जब 22nd of August भानुभाई का बर्थडे एंड 23rd of August चिया का बर्थडे, आज 22nd है। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं भाई भानुभाई के बर्थडे सेलिब्रेशन से। अभी कमेंट सेक्शन में सबसे पहले भानुभाई को बर्थडे विश कर दो। बाकी अभी मैंने पंखा ऑन कर दिया है क्योंकि यहाँ की गर्मी में मैं बिना पंखे के नहीं कर सकता मकबैन। लुक एट दिस भाई, कल से वाटर फास्ट में हुए। ये वाला बाइट आप सभी लोगों के लिए। ये मैं अभी DJI का माइक यूज़ कर रहा हूँ, मैं ब्लू Yeti भी यूज़ कर रहा हूँ जस्ट इन केस। बाकी इसका मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि पंखे की कितनी आवाज़ ये कैंसिल कर देता है। ये वाला पीस आप सभी के लिए, ये वाला पीस हमारे लिए। इसमें से भानुभाई को भी खिला दिया समझ लो। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। ये कोई स्नीकर चॉकलेट है। पहली बार मैंने मीठे से वीडियो को स्टार्ट किया, बट भाई आज का वीडियो बनाना है बहुत ही खतरनाक। मेरा लास्ट ऑर्डर आ चुका है। कोई आप जैसा मिल जाए तो। ओए होए, चेरी टोमेटोज गिरते हुए यहाँ। यार जिस किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये है अपना नोएडा वाला सेटअप। और कभी कभार मैं यहाँ भी मकबैंग कर लिया करता हूँ जब भी मैं यहाँ आता हूँ। और जब भी मुझे कुछ अतरंगी सा खाने का मन करता है समझो। ये वन ऑफ माई फेवरेट व्यूज हो सकता है। तो सबसे पहले है मेरे पास नोमैड पिज्जा से शिकागो डीप डिश पिज्ज़ा, ऑल वेज पिज्ज़ा है ये, 945 रुपीज़ का। उसके बाद है मेरे पास बेकिंग बैड से नेपोली वाइल्ड मशरूम विद ट्रफल ऑयल पिज्ज़ा, 10 इंचेस का पिज्ज़ा है ये, 815 का। यहीं से मैंने मंगा रखे हैं इनके अनियन रिंग्स। इसके बाद है अपने पास ओलियो पिज्ज़ा करके शायद से एक पिज्ज़ा चेन है जहाँ से मैंने मंगा रखा है इनका ग्रीक गॉडेस पिज्ज़ा, ये पड़ा है मुझे 619 रुपीज़ का। और यहीं से मैंने मंगा रखी है इनकी इटालियन चीज़ गार्लिक ब्रेड, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख रही थी बट सामने से कुछ ये ऐसा दिख रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने फेवरेट डोमिनोज से अपना फेवरेट डबल चीज़ मार्गरीटा चीज़ बर्स्ट पेस्ट के साथ, प्लस मैंने इनका वेज जिंकी पार्सल भी मंगा रखा है। देखो पंखे की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट अपने इस अनियन रिंग के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। चीज़ी डिपिंग का ओ तनु, भाई ये बेहतरीन हो रहा है, बेहतरीन स्पाइसी। इटालियन चीज़ गार्लिक ब्रेड ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, ओलियो पिज़्ज़ा। अपना शिकागो डीप डिश पिज़्ज़ा, ये देखो जरा इसकी लेयर, अंदर फिलिंग देख रहे हो आप, लेट्स सी हाउ इट इज़। मतलब ये ना अभी जो नज़ारा है, ये सपना होता है ना सपना, कि आपके फेवरेट आइटम्स अलग अलग तरह के आपके सामने रखें। इनमें से सबसे महंगा पिज़्ज़ा ये है और आपको दिख ही रहा होगा ऐसा क्यों है। मैंने इनका 16 महीने पहले जोमेटो मंगाया था ना, 16 महीने पहले मंगाया था शिकागो डीप डिश पेपर रोस्टेड ऐसा कुछ था, वो इतना बेहतरीन नहीं था।
मज़ा आ गया, ये करें ट्राई। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीदें इससे थी, ग्रीक गॉडेस पिज़्ज़ा, इतना बेहतरीन नाम, और इनका क्रस्ट लोडेड था चेडर मोज़रेला इन सब चीज़ों के से। इसमें पता नहीं इमली डाल रखी है, खट्टी खट्टी चाय, एक और मौका दें इसे। डोमिनोज का चीज़ी डिप वैसे तो हर चीज़ को बढ़िया बना देता है, स्वाद नहीं आया। ओए होए भाई, इतना बड़ा स्लाइस। नेपोली वाइल्ड मशरूम विद ट्रफल ऑयल पिज्जा, दिखने में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, टेस्ट में पंखा चल रहा है फिर मेरी ये हालत है, सोचो पंखा नहीं चल रहा होता तो मेरी क्या हालत होती है। आउटर क्रस्ट तभी खाओ अगर पिज़्ज़ा गर्म गर्म है, ठंडा नहीं। बाय द वे ये पिज़्ज़ा खाते ही ना मुझे हांगकांग की याद आई यार, तो सेम ऐसे ही पिज़्ज़ा आप बोल सकते हो मैंने हांगकांग में खाया, और एकदम मतलब ये पिज़्ज़ा मुझे हांगकांग ले गया। दिखने में प्लस टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है यार। नान की तरह नहीं लग रहा इतना है, इतना प्यार लग रहा है, मेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। वो नहीं होता मूवीज़ में हीरो की एंट्री एंड में होती है, जब सब आपस में लड़ रहे होते हैं हीरो एंड में आता है। बचपन से जिस टेस्ट ने हमारे टेस्ट बड्स को ऐसे पकड़ के रखा है ना, जकड़ के रखा है, उसके साथ एक अलग कनेक्शन रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि बाकी उसे बेटर है, बस इससे थोड़े बहुत इमोशंस जुड़ रखे हैं, यादें जुड़ रखी हैं। मशरूम में बोलूँगा ये नोएडा का गौर सिटी वाला डोमिनोज भाई, ये इनका चीज़ बस्ट है, देख रहे हो इतना पतला, क्या ही आएगा इसमें चीज़। आज ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा सुहेंस हो रहा है, बस उस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो एक टेस्ट होता है ना कि हाँ चलो खुशी ला दी उसने चेहरे पे, वो आया था भाई। अरे भाई आज डोमिनोज ने डिसअपॉइंट कर दिया भाई, मैं आपको सही बात बताऊं तो ये एक लौदा स्लाइस सफिशिएंट है पेट भरने के लिए। लेट मी वॉक यू थ्रू, इसका आप पहला स्लाइस खाओगे आपको लगेगा बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। इसका दूसरा स्लाइस खाओगे त
तभी भी बढ़िया लगेगा। बट जब आप इसके तीसरे स्लाइस में आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों इतना भरा हुआ है। समझो कैप्सिकम, टमाटर, बेल पेपर सब कुछ रखा हुआ इसमें। तो अगर आप अकेले हो ये मत मंगाना, आप दो तीन दोस्त हो तब मंगाओ भाई। हम एक एक स्लाइस में डोसा है, अगर अकेले हो तो बेकिंग बैड मंगा सकते हो भाई, ट्राई तो जरूर करना है। इनका कोई सा भी पिज्जा ट्राई कर लो भाई, रात को 3 बजे तक खुले रहते हैं। छोड़ दे भाई, एनीवे मेरे प्रीवियस मकबैंग में फर्स्ट कमेंट कर रखा है कुशाल पाल 1174 ने, अक्षांश जसवाल हाय। सेकंड कमेंट कर रखा है द्रोपक 4790 ने, और थर्ड कमेंट कर रखा है प्रज्वल 1097 ने। फोर्थ कमेंट कर रखा है सिद्रा शेख जो कि हमारी चैनल की मेंबर हैं। व्योम मित्तल जी ने कमेंट कर रखा है भैया रायपुर वाले लौकी के मोमो ट्राई कीजिए, ओनली वेज है उस शॉप का नाम, मैंने ट्राई कर रखे हैं भाई, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, इवन मैंने शॉर्ट भी बना रखा है उन पर एक। राहुल कुमार जी ने बोल रखा है प्लीज़ वॉच डेथ नोट एंड टोक्यो रिवेंजर्स आफ्टर नारुतो, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। डेफिनेटली भाई डेथ नोट बहुत लोगों ने बोल दिया तो देखेंगे ज़रूर। श्वेता विश ने बोल रखा है भानु भैया कब आ रहे हैं, वी मिस हिम अ लॉट। भानु भैया यार 5th को वापसी आ रहे हैं भाई साहब, आई एम ट्रिपिंग। 5th सितंबर को वापसी आ रहे हैं भानु भैया। मेरा पंखा ऑन है फिर भी ऐसी हालत हो रही है, तो मकबैंग करने का मन किसका करेगा। कैसे बनेगा इतनी गर्मी में, क्या मजाक है, चीज़ बस कहाँ से है ये। पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरा बट मेरा मन भर चुका है। अगेन मैं बता दूं, जितने भी लोग मेरे वीडियो पहली बार आज देख रहे हैं, ये मेरा टेम्प्रेरी सेटअप हुआ करता था जहाँ मैं आज लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मेन सेटअप देहरादून में है, वहाँ चीज़ें इससे तो स्मूथली चलती हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो अगर कोई ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो सोचेगा किस हालत में कर रहा है वीडियो। ऐसा मन कर रहा है कि काश मैं आइसक्रीम पे मकबैंग कर रहा होता। फर्स्ट नंबर पे मेरे लिए हुआ शिकागो डीप डिश, सेकंड नंबर पे बेकिंग बैड का ये मशरूम जो भी ट्रफल ऑयल पिज़्ज़ा था, थर्ड नंबर पे ओलियो का ये ग्रीक गॉडेस पिज़्ज़ा। आज मुझे डोमिनोज से बेटर लगा, डोमिनोज वाले ने एक तो मैंने चीज़ बर्ज बोला था तो ये चीज़ बर्ज तो नहीं है कतई, प्लस आज इनका टेस्ट ना अजीब सा लग रहा है। एक डोमिनोज का पेटेंट टेस्ट है ना कि आप सूंघ के भी बता दोगे कि ये डोमिनोज है, इसमें वो बात नहीं है। पसीना भाई साहब, केक लेके आता हूँ। नहीं देखो आपका पीस मैंने बचा के रखा भाई। अगेन हैप्पी बर्थडे भानु भैया। पता नहीं कौन सा चॉकलेट है। फ्रेयर तो नहीं है, ऐसा लग रहा है यहीं सो जाऊंगा। ये एक केक चिया का, कल बर्थडे, कल उसके बर्थडे का केक। सितंबर में मम्मी और डैडी का दोनों का बर्थडे आता है, फिर उनके बर्थडे का केक। ओहो भाई साहब, मुझे पता है कि आगे इतने सारे केक होने वाले, मैं फिर भी वीडियो में खा रहा हूँ छक पक के।
भाई बाई दी एंड ऑफ द वीडियो अगर टेबल भरा भरा लग रहा है तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, वेस्टेज की वजह से नहीं, वेस्टेज क्योंकि ज़ीरो होता है मेरी वीडियोज़ में, बट बुरा इसलिए लगता है कि बहुत लोगों के लिए वो कि कितना खा रहा है वो वाला एंगल मायने रखता है। खैर आज का वीडियो उस पर्पज़ के लिए था भी नहीं, आज का वीडियो था कि अपने फेवरेट आउटलेट से अपने फेवरेट पिज़्ज़ा मंगाने और एक ऐसा नज़ारा क्रिएट करना कि दिल खुश हो जाए। और भाई मेरा हो चुका है इंसुलिन स्पाइक बहुत तगड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस। भाई भीग चुका हूँ मैं अंदर से।